गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है करवा चौथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, हाथों में मेहंदी लग चुकी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और सुबह के बज चुके हैं 10:30 लगभग, और मैं नहा चुकी हूँ। नहा के मैंने पूजा भी कर ली है, नॉर्मल डेली रूटीन वाली पूजा भी हो चुकी है मेरी, क्लासेस भी खत्म हो चुकी है। शेक और अफ्रेश मैंने आज नहीं पी है, क्योंकि हम निर्जला व्रत रखते हैं। आप जैसे रखते हैं आप ऐसे रखिए। और लगभग हमने जो करवा चौथ की कथा है उसका टाइम हमने रखा है 2:30 बजे। तो मैं अपने लिए अभी जा रही हूँ आदेश जी के साथ पायल लेने, और उसके बाद हम कथा के लिए रेडी होंगे और फिर हम जाएंगे करवा चौथ की पूजा के लिए। तो गाइज, मैं ये पायल लेके आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एडजस्टेबल है, मैं इनको पहनती हूँ। अब रेडी हो चुके हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि 3 बजे हमने कथा का टाइम रखा है। तो सभी फ्रेंड्स हम मिलने वाले हैं हम रीता भाभी के घर, और वहीं हम पूजा करने वाले हैं। तो रेडी मैं हो चुकी हूँ और निकलती हूँ घर से, और वहीं जाकर मिलती हूँ आपसे। हेलो ज्योति। हेलो भाभी, हैप्पी करवा चौथ भाभी। हेलो रीता भाभी। हेलो मोनिका। हेलो अर्चना, सेम टू यू। हेलो डियर माया। हेलो, हैप्पी हैप्पी करवा चौथ। आप बहुत प्यारे लग रहे हो। आलू गोभी हमारी रेडी हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इधर बन रहा है पनीर। हो चुका है हमारा, और रात के 10:30 बज गए हैं। 8:15 बजे हरिद्वार में चांद निकल गया था। उसके बाद हमने पूजा की और खाना खाया, और मुझे सरप्राइज गिफ्ट भी मिल गया है गाइस करवा चौथ का। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। एक बार फिर से हैप्पी करवा चौथ।